प्लस माइनस कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, इन्फिनाइट तक रह गया, इसको हम सीधा एक ट्रेलर तो देख लिए होंगे, पूरा फिल्म अभी बाकी है, चलिए पूरा फिल्म देखते हैं, आप बिल्कुल स्किप ना करें। वेलकम दोस्तों, आप लोग का चैनल पर स्वागत है, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों आज नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, आज स्क्वायरिंग वाला मतलब वर्गमूल वाला है, तीन चार टाइप चलेंगे, हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा स्किप करने पर। सबसे शॉर्ट ट्रिक यार, एकदम सबसे आसान में एकदम चुटकी में आंसर दीजिएगा, ठीक है। आज वीडियो जब अच्छा लगे तो लाइक करो, लाइक करके जाए, जब पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दे, उससे भी बहुत सीख मिलता है, और शेयर करना मत, दोस्तों में जरूर शेयर करें कि आप लोग को दोस्तों को कुछ फायदा हो जाए। देखिए इस तरह का प्रश्न कैसे करेंगे, इधर आप लोग को दिख रहा होगा, इस तरह का प्रश्न कैसे करेंगे, ऊपर दिख रहा होगा, इस तरह का प्रश्न कैसे करेंगे, इस तरह का प्रश्न करने के लिए चलिए हमारे वीडियो में बने रहें, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। वीडियो जब अच्छा लगे तो लाइक करो, लाइक करके जाए, जब पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दे, उससे भी बहुत सीख मिलता है, और शेयर करना मत, दोस्तों में जरूर शेयर करें कि आप लोग को दोस्तों को कुछ फायदा हो जाए। देखिए आप लोग को बड़ी सी को पसंद दिख रहा होगा, टाइप नंबर एक के बात करने वाले हैं, ठीक है, टाइप नंबर एक के बात करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ही जाए, और शेयर करना मत, शेयर जरूर कर ले, सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। टाइप नंबर एक में क्वेश्चन अगर इस तरह के रह गया तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, वो भी सबसे आसान मेथड से जानते हैं। इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, जब एक ही तरह के अंक रहे, ठीक है, अब प्लस में रहे और उसका इन्फिनाइट रहे, इस तरह का प्रश्न कैसे करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ एक ट्रिक है। देखिए एन बराबर कितना, 12 है, हम 12 का इस तरह से तोड़ेंगे ना कि गुना करके 12, इसका अंतर एक हो, ठीक है, तो 12 का तोड़ेंगे, टूटेगा 12 हमारा, कितना टूटेगा, 3 चौ 12 हमारा टूट गया, इसका देखिए तो अंतर एक है, इसका अंतर एक होना चाहिए, और गुना करके 12 होना चाहिए, गुना करके 12 अंतर एक होना चाहिए, गुना करके 12 अंतर एक होना चाहिए, ठीक है, 3 चौ 12 अंतर देखिए तो एक ही अंतर है, तो इसको आंसर क्या होगा, तब जब तोड़ने के बाद यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए तो यहाँ कौची है, प्लस में है क्वेश्चन, जब प्लस रहेगा तो बड़ा संख्या वाला हो जाएगा हमारा आंसर 4, बस सबसे आसान मेथड एकदम सबसे ईजी में, जब प्लस में रहेगा तो 4 हमारा हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को बड़े सही दिख रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन किसी तरह से करेंगे, इसका आंसर तो अंतर बता दीजिएगा, इसका आंसर ए नंबर में इसमें कितना फुट करेंगे, ए नंबर पर 6 हो जाएगा, फिर गुना इसको तोड़िए तो 3 × 2 = 6, या द्वितीय 6 कैसे तोड़ लीजिए, या द्वितीय 6, ठीक है, इसका देखिए तो अंतर कितना है, एक के अंतर है, और 3 × 2 = 6, और यहाँ भी देखिए कुछ है प्लस में है, ठीक है, तो प्लस में आता था, प्लस में हमेशा बड़ा वाला हो जाएगा आंसर, बड़ा वाला यानी कि 3 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये तो बात कर ली है। अगर माइनस रहा तो क्या करेंगे, आप लोग का प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पे तो प्लस तो बात कर ली है, ठीक है, अब माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, तो माइनस रहेगा तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले प्लस में तो देख लें, चलिए इसको करिए, इसको करिए लगातार, टाइप नंबर इसको करेंगे तो देखिए तो इसको भी ए नंबर पर कुछ फुट कर लेंगे, 2 अब करिए क्या, 2 के पहले तोड़िए तो टूटेगा, जरूर टूटेगा, 2 × 1 हमारा टूट गया, 2 × 1 देखिए 2 × 1 2 हो रहा है, इसका अंतर एक आ रहा है, 2 में से घटाएंगे तो अंतर एक, तो अब कुछ है, यहाँ प्लस है, तो प्लस में हमेशा बड़ा वाला होता है संख्या आंसर हमारा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर हमारा, 2, ऑप्शन नंबर मेरा मार लीजिए। माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, तो माइनस में कुछ नहीं करना है, बस खाली ए नंबर वैसे 12 फुट कर लेना है, अब 12 के इस तरह हम तोड़ेंगे ना, चरतिया 12, देखिए गुना करके हमारा आ गया 12, और इसका अंतर एक, देखिए यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं, प्लस में तो बड़का हो गए, तो माइनस में तो छोटका होता, यानी कि हमारा 3 होगा आंसर, हमारा यहाँ इस माइनस वाला छोटका होता, हमारा 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ देखिए तो एक है, इसको कैसे बनाओगे, तो इसको भी एन बड़ा तोड़ लेंगे, देखिए इन्फिनाइट तक होना चाहिए, इन्फिनाइट नहीं रहेगा तो अलग क्वेश्चन चलेंगे, अगला टाइप में देखिए अगर एक है तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो 1 × 1 तो हो रहा है, ठीक है, देखिए इसका अंतर देखिए तो 0 हो रहा है, तो तोड़ेंगे नहीं, इसका आंसर होगा, इसका अगला इसमें चलेंगे ना, डीप चलेंगे, इसका अलग क्वेश्चन में निकलता है, देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा, हमारा इसका आंसर होगा 1 से 2 के बीच होगा, 2 के बीच,
इसका बर वक्त गलत गलती करते हैं कि एक के बराबर होता है, एक के बराबर बोले, एक के बराबर इन्फिनिटी होता, एक ही होता चल जाएगा, नहीं, एक या दो के बीच इसका आंसर होगा कुछ भी हो पॉइंट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन इमेज देखेंगे, देखिए तो आप लोग को दिख रहा होगा, चाहे बोर्ड स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे इजी वे है, अगर इस तरह का क्वेश्चन रह गया प्लस माइनस कुछ भी ना रहा, ठीक है, इन्फिनिटी तक रह गया, इसको हम सीधा 31 एन बराबर 31 हमारा आंसर कह देंगे, इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो एन बराबर 31, चाहे यहाँ पे विषम रहा चाहे सम संख्या का कोई मतलब नहीं, सीधा 31 आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी तकला। अब वही देखिए आप इसमें आइए, यहां से आप यहां आइए, देखिए यहां इन्फिनिट नहीं है, इसको हम काउंट किया जा सकता है, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसका सीधा जो रहेगा वही आंसर, 31 है तो 31 आंसर, हाँ लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, यहाँ 31 है, अगर यहाँ रह गया 30 तो नहीं होगा, मतलब कि एकदम सिंगुलर, मतलब 31 मतलब कि एक ही संख्या का बार बार दोहराए तो जा रहा है इन्फिनिट तक ना, तब होगा हमारा 31 आंसर, जिसको गिनती नहीं किया जा सकता उसको, जिसको गिनती कर ले उसमें फॉर्मूला लगेगा। चलिए देखते हैं पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, इसमें इसका फॉर्मूला होगा एक्स पर पावर 2n - 1/2n होगा, इसका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर 7 फुट कर लेंगे, 7 पर पावर 2n, आपको बताओ पहले ध्यान दीजिए, एक्स बराबर हमने कितना फुट कर लिए 7, एन बराबर तो एन बराबर वही फुट काउंट करके आएगा 1, 2, 3, 4, यानी एन बराबर हमारा हो जाएगा 4। चलिए तो देखिए फुट करते हैं, 7 पर पावर हमारा कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 7, एक्स बराबर 7 फुट किए, 7 का पावर 2 गुने एन कितना है, एन 4 है तो 4 माइनस 1 बाई 2 का पावर 4, हम यहां से कह सकते हैं, देखिए तो 2 दुनी 4 दुनी 8 है, 8 में से गया 7, यानी 7 का पावर 7/8 हमारा हो गया 4 दुनी 8 आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिए, अब देखिए जब ये कर लिए तो यहां से अब यहां आते हैं, अगर ऐसे बताते समझ में नहीं आता, पहले ये बताएं कि इस तरह का प्रश्न आएगा तो इसका एक आंसर हो जाएगा, जिसको काउंट नहीं, जिसको काउंट कर सकते उसमें फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए देखिए जब ये बना लिया तो इसका आंसर जो कितना हो रहा होगा, 7 होगा, डॉ इन्फिनिट का ही बनाए थे, इन्फिनिट तक सेम वही, देखिए सेम एक ही बराबर दोहरा रहा है एक ही अंक के, इन्फिनिट तक ला हमारा 7 हो गया, कुछ ना कुछ पावर कितना रहता है, एक रहता है बराबर में, देखिए कितना 343, देखिए तो 7 के क्यू है, 7 के क्यू लिखेंगे हमारा हो जाएगा 2 - 1, जब नीचे में अंक बराबर में, मतलब कि दोनों पार्टी जब पद बराबर हो, बराबर में अंक बराबर हो तो हमारा अति पावर भी बराबर कर लेते हैं, कि पावर बराबर कर लेंगे तो ए बराबर 3/-3 ये पट्टी भेज देंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, देखिए 1+3 = 3/y बराबर हम कह सकते हैं 4/3 हमारा आंसर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, उसम इजी था, उसम कोई ट्रिक पर कोई था, कोई कुछ पर था, इसको कैसे बनाओगे, इसको तो आप लोग समझ में आ रहा होगा, 169 के बराबर कितना होता है 13, इसको कम हो गया था आ गया ई रूट में आ गया, देख लीजिए ये रूट में आ गया 13, 12, 25, देखिए 25 के वर्गमूल 5, यानी कि यहाँ से हमारा मान कितना है 5 आया। अब देखिए इसमें आ गए इसमें प्लस जुड़ेगा, इसमें माइनस था तो घटा देंगे तो 69 में से 5 जाएगा तो बचेगा 64 के वर्गमूल जाते कितना होता है 8, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना मान आ गया 8 आ गया, देखिए तो 8 + 36 कितना 144 हो जाएगा, हम कह सकते हैं 144 के वर्ग कितना होता है 12 होता है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन ध्यान देंगे यहीं पर ही, देखिए तो वो था जब हम तोड़े वाला था, ठीक है, फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा सा, 3 + 3 + 3 + इन्फिनिट, अगर ये क्वेश्चन है इसको कैसे बना देंगे, 12 था तोड़ देते थे 2 अंक में -1, 6 था तोड़ देते थे 9 था 3 × 3 = 9, मतलब कि 9 तो सीधा तो उसका 3 हो जाएगा आंसर, मतलब 3 + 3 = 3 निकालता चला आएगा, ठीक है, तो तोड़ देते थे। अब इसको कैसे बना देंगे, देखिए तो इसका भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, प्लस में है अगर माइनस में, देखिए इसमें दोनों इंक्लूड कर लीजिएगा, इसमें दो क्वेश्चन, एक मिनट, देखिए ये प्लस में था 3 - 3 - 3 - इन्फिनिट, डॉट इन्फिनिट, देखिए दो क्वेश्चन है आप लोग दिख रहा होगा,
इसको कैसे करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। देखिए 4a + 1 अंडर रूट में और फिर प्लस 1 के लिए फॉर्मूला ई हो गया बटा 2, ये प्लस 1 के लिए। माइनस 1 के लिए देखिए फॉर्मूला दूसरा 4a + 1 अंडर रूट में माइनस 1/2, ये माइनस 1 के लिए फॉर्मूला हुआ। ठीक है, चलिए 4a वाला पहले बनाते हैं। देखिए तो a बराबर 3 फुट करेंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 × 3 + 1, ये हो गया हमारा यहाँ तक वर्गमूल में, ये वर्गमूल से बाहर है, +1/2 हो गया। 4 × 2 = 12, 1 = 13 हमारा हो गया √13 + 1/2 हमारा हो गया आंसर इसका। अब माइनस 1 तो माइनस 1 वाला का माइनस 1 हो जाएगा खाली लास्ट में यहाँ पर ही, तो बना लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करें, मतलब सब्सक्राइब भी कर लेते दोस्तों, आप हर एक टॉपिक से वीडियो लेते रहते हैं, आप लेकर मुझे मोटिवेशन मिलता है, मिलेंगे जय हिंद।